आज ही के दिन सन 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन प्रथम सर्वसम्मति से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे और इसी पद पर रहकर जॉर्ज वॉशिंगटन ने दो कार्यकाल पूरे किए थे। वर्ष 1799 में इन्होंने सेना के कमांडर इन चीफ का पद संभाला था। सन 1870 में आज ही के दिन भारतीय सिनेमा के पितामह धुंधीराज फाल्के उर्फ दादा साहब फाल्के का जन्म हुआ था। जब सिनेमा में इस्तेमाल होने वाली तकनीकों और मशीनों के लिए हम विदेश पर निर्भर थे, उस समय दादा साहब ने भारत की पहली मूक फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद बनाई थी। फिल्म में विशिष्ट योगदान के लिए इनके नाम पर ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। सन 1973 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने वाटरगेट कांड की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन रिचर्ड ने निजी तौर पर जिम्मेदार होने की बात का खंडन किया था। वर्ष 1972 में वाटरगेट स्थित डेमोक्रेटिक पार्टी के मुख्यालय में 5 लोगों को चोरी छिपे घुसते हुए गिरफ्तार किया गया था। आज एक दिन सन 1975 में वियतनाम युद्ध का अंत हुआ था और सैगोन की सरकार ने उत्तरी वियतनामी बलों के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था। वियतनाम के राष्ट्रपति डुओंग वैन मिन ने रेडियो प्रसारण में अपनी सेनाओं को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। सन 1993 में उस समय की दुनिया की नंबर एक टेनिस खिलाड़ी मोनिका सेलिस को जर्मनी के हैमबर्ग शहर में क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान पीठ में छुरा भोंककर घायल कर दिया गया था। यह घटना 6000 दर्शकों के सामने हुई थी और छुरा मारने वाला व्यक्ति सेलिस की टेनिस प्रतिद्वंदी स्टेफी ग्राफ का फैन था।